जनपद के मानहरा थानांतर्गत गांव भुरगवा में ट्यूबवेल लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हो गया। पथराव की घटना में दो युवक मामूली रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस को देख पथराव कर रहे लोग फरार हो गए। गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल नजर आ रहा है। वहीं पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर सतर्कता बरत रही है। बताया जाता है कि गांव में पुरुषोत्तम ट्यूबवेल लगाना चाहता है, जिसका दूसरा पक्ष विरोध कर रहा है। दूसरा पक्ष ट्यूबवेल लगाने का विरोध करने का कारण आसपास के भूजल स्तर गिरना बता रहे हैं। मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में भी पहुंचा था। बताया जाता है कि शनिवार को पुरुषोत्तम ट्यूबवेल लगवाने लगा, दूसरे पक्ष के स्वराज ने ट्यूबवेल लगाने का विरोध किया। इसी को लेकर दोनों में विवाद बढ़ गया। मामला गाली गलौज से पथराव पर आ गया। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी होने लगी। पथराव इतना हुआ कि गांव की सड़क ईंट पत्थर से पट गई। पथराव की सूचना ग्रामीणों ने 112 डायल कर दी। आबादी में ट्यूबवेल लगाने के विरोध में दो पक्षों के बीच जमकर पथराव, दो घायल। सूचना पाकर मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच गया। मारहरा कोतवाली प्रभारी जितेंद्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में भारी पुलिस बल गांव में पहुंचा। पुलिस को देख पथराव करने वाले आरोपी गांव से फरार हो गए। थानाध्यक्ष जितेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि गांव में ट्यूबवेल को लेकर दो पक्षों के बीच पथराव हुआ है। जिन लोगों ने पथराव किया है उनको चिन्हित किया जा रहा है। अभी किसी भी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। गांव में ट्यूबवेल लगने पर दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। गांव के लोगों का कहना है कि जिस इलाके में ट्यूबवेल लगाया जा रहा है वहां आबादी है। आबादी के बीच में ट्यूबवेल लगाया जा रहा है, जिससे समीप के हैंड पंपों के जल स्तर गिरने का डर लगा रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि एक ट्यूबवेल वहां लगा हुआ है, जब वह चलता है तो हैंड पंप पानी छोड़ जाते हैं। पलंग के लोगों ने लग गया कि मेरा तो बच्चा जो टट्टू दो बच्चा बाप होगा और टट्टी कराने में भी रात को हाथ में लगाने वाला पक्ष दबंगई से काम कर रहा है। मेरे बेटे का नाम है राम सिंह, उन्होंने पथराव कर दिया। वही दूसरे पक्ष का कहना है कि उनका छेड़िया खोल के ला रहे हैं, लगा हुआ है और अपने जो खराब हो गया था। उनके पास ट्यूबवेल लगाने के लिए अधिकारियों की परमिशन भी है। मैं ना सुना बाती है बात जी भैया कब 50 और 5 बस से टू मिला लगे है गई दूसरे की तो और तामे वो शर्म अब बा को 5 ने बैठ गओ टू मिला को चन्ना रहो अब वो फांस रहो है समर और बाई का ठोरा भी अब जाय दे दो यार रोक रहे समर को रोक रहे हैं लगन ना दे रहे तीन पोती बुआई गई गाड़ी और तीन पोती वो मशीन वो लगावे बोरंग का निवारी इनने लौट आए गई। पत्थर मारा है बिन्ने पहले ये देख ले मेरे लुड़ा कुटी कर रहा हुआ अंजना पे। हाँ तीन चलाइए गोली तीन मैं धोबी 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 बताओ हाँ रप्पा का नाम है बता और राम अवतार रंजीत ने गोली चलाई है वो फुब्बा में रहते हुए मामे फौजा में तारे गोली चलाई है तीन हाँ पंकज क्या बात क्या होगी बात कुछ नहीं ऐसी होगी लड़ाई अपने आप पहले उधर से आए लो और नहीं पत्र फंगे फिर ऐसी होगी लड़ाई बस राजपूत और दो तीन फायर भी हुए थे उधर से फायर भी हुए पत्र वगैरह पहले उनने उनकी जो लेडीज है ना ये राजपूतों की इनने फेंके थे पत्थर फिर इधर से भी फेंके फिर हमने और फायर किए बंदूक फिर ऊपर चढ़ गए हम दोनों लंग से होगी फिर पहले गलती तो उन्हीं की है। किस बात का विवाद चल रहा है समर के पीछे चल रहा है ये समर है यहाँ पर कौन लोग नहीं समर किसकी समर कौन लोग लगा रहे हैं कौन लोग नहीं लगने नहीं दे रहे राजपूतों की समर है। अच्छा वो समर लगा रहे हैं तो वो समर जब क्यों लगा रहे हैं आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं ये कोई भी नल पानी नहीं दे रहा सर। अच्छा क्यों नहीं आप सब नल देख सकते हो इधर है नल इसमें और इसमें और भी नल है ये नल है एक पास में कोई नल पानी नहीं है।